तो बेसिकली आज हम लोग का डे टू है शिमला में, एंड अभी हम लोग यहाँ से कहीं जा रहे हैं। हम लोग ने पैकेज तो ले लिया, पता नहीं वो मोम को पता है कि टोटल क्या है। यहाँ से हम लोग किधर तो स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे जा रहे हैं, एंड एनीवेज लेट्स सी हम लोग कहाँ पे जाएंगे। अभी अभी तो फिलहाल हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग की कार आएगी, एंड देन हम लोग यहाँ से एक स्नोफॉल का पॉइंट है जहाँ पे स्नोफॉल हुई है। अभी तो यहाँ हम लोग शिमला में तो कहीं भी नहीं है बर्फ। एनीवेज सबसे पहले चलो नाश्ता करते, जहाँ से कल किया था वहीं से कर लेंगे। सो लेट्स गो। सो अभी चाय और लंच हो गया हमारा, एंड अभी हम लोग की कार आ रही है। सो अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। तुम लोग को एग्जैक्ट पहुँच के अगर मैं नहीं बता पाया तो डायरेक्टली शॉर्ट्स दिखा दूंगा, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा ठंड रही तो मैं नहीं उतरने वाला। मैं बस नॉर्मली सिनेमेटिक शॉट लेके उसमें डाल दूंगा। एनीवेज अभी भी बहुत ठंड लग रही है और मैंने बालों को इग्नोर माना क्योंकि पानी चेंज हुआ है तो मेरे को सूट नहीं कर रहा है। सो लेट्स गो, कार में बैठते हैं, चलते हैं। येलो बिल्डिंग देख रहे हो तो ड्राइवर अंकल ने हम लोग को बोला वो तो कोई सेलिब्रिटी का घर है, मुझे भी परफेक्ट इतना पता नहीं किसे। राइट नाउ वी आर इन कुफरी, नाम थोड़ा अजीब लग रहा है कुफरी, एंड यहाँ से यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था तो यहाँ पे आइज है। तो हम लोग आइज देखने ही मेन आए शिमला, क्योंकि मैं इससे पहले नहीं आया, एंड यहाँ के ड्राइवर लोग को तो भाई हेड्स ऑफ है, क्या गाड़ी चला रहे। एनीवेज अभी तुम लोग को कुफरी दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, एंड अभी हम लोग यहाँ से क्या पैकेज लेने वाले या नहीं लेंगे। सो लेट्स सी, मुझे भी ऐसा कुछ परफेक्ट पता नहीं अभी। अच्छा हुआ हम लोग ग्रिप वाले शूज़ पहन के आए, तो तुम लोग अगर ग्रिप वाले शूज़ पहन के आओगे तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से चल सकते हैं ना। यहाँ पे बूट्स तुम लोग को रेंट पे लेना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। एनीवेज हमारे इतने महंगे महंगे और अच्छे शूज़ है, और यहाँ से हॉर्स भी रेंट पे मिलता है, लेकिन हम लोग पैदल ही आएंगे क्योंकि अब आए हैं ट्रैक करने, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट लेते। तो लेट्स गो। तो अब तो कोई चांस नहीं है कि हम लोग यहाँ से पैदल जाए, क्योंकि एक एक फुट तक का कीचड़ भरा है। तो हम लोग जाएंगे तो हमारे कपड़े वपड़े सब गंदे हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से हॉर्स बाय कर रहे हैं, हॉर्स का उन लोगों ने कुछ बोला है कि 500 रुपीज़ लगेगा एक हॉर्स का। ऊपर आ गए, ये रहे हमारे हॉर्स। अच्छा हम लोग ने पहले सोच रहे थे कि हम लोग पैदल आ जाएंगे, लेकिन बाद में वो कीचड़ देख के लगा कि बॉस पैदल तो आ नहीं पाएंगे, हम लोग को गम बूट लेने पड़ते थे, लेकिन हम लोग ने नहीं लिया। एनीवेज हम लोग अभी घोड़े से आ गए, और हम लोग 6 जनते हैं, पर घोड़े का हम लोग को पड़ा 500 रुपये सिर्फ ऊपर एंड अप एंड डाउन दोनों का, मतलब ऊपर भी लेके आएगा और वो नीचे भी छोड़ने जाएगा। एंड अब देखते ऊपर क्या क्या सीन रहेगा। सबसे पहले उनको तो अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी है, लेट्स सी। और यहाँ पे मुझे लगा था ठंड नहीं रहेगी, इसलिए मैं मेरा ऊपर वाला जैकेट उतार के आ गया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इन लोग बोल रहे कि एक फोटो का 50 रुपीज़ लगेगा, एनीवेज हम लोग बाद में क्लिक कर लेंगे। खाने को भी मिलता है। सो अभी हम लोग मैगी वैगी देख रहे क्या खाएंगे। तो लच्ची क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही है, एनीवेज घोड़े से ऊपर आते वक्त पूरा खाना हजम हो गया हम लोग का। सो चलो कुछ खाते सबसे पहले। हम लोग का अभी नाश्ता पूरा हो चुका है, हम 6 जन का नाश्ता, मुझे लगा था ज़्यादा प्राइस रहेगा, लेकिन एनीवेज यहाँ पे पहाड़ पे 350 रुपये में हम लोग ने पेट भर के खाया। एंड एनीवेज मेरे बालों को इग्नोर मारना। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं जस्ट क्या करना है, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। एंड एनीवेज
यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, जो लोग ट्रैवलिंग के लिए आते हैं उन जिन लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है उन लोग को बोलते हैं कि तुम लोग को ऊपर जाओ ये रहेगा वो रहेगा, ऊपर कुछ भी नहीं था मैक्सोमैक्स एंड हम लोग को बोला था कि ऊपर स्नोफॉल हुआ है तो बर्फ़ रहेगा, लेकिन बर्फ़ वर्फ़ कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हमारे साथ। एनी वेज अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, मतलब थोड़ी देर में नीचे जाएंगे, अभी हम लोग फोटोज वोटोज ले रहे हैं, मेरी मौसी ने वो पूरा ड्रेस पहना उसके लिए एंड मैं भी थोड़ी बहुत फोटो क्लिक कराएंगे एंड हाँ यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा रहेगा, जिसने भी फॉलो नहीं करा कर सकते, और मेरे ये वाले व्लॉग प्रॉपर नहीं आ पा रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है और मैं प्रॉपर व्लॉग बना भी नहीं पा रहा हूँ। सो लेट्स सी अभी आगे क्या करने वाले हैं, कुछ प्लान हम लोग का फिक्स नहीं है अभी, यहाँ से आज हम लोग गए शिमला में तो कल हम लोग यहाँ से कहीं और भी जाने वाले, तो जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है लिंक बायो में जाके देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। लेट्स सी हम लोग अभी आगे क्या करना है। याक पे बैठे थे फोटो निकालने का, उन लोगों ने बोला तुम लोग जितने फोटो निकालना चाहते हो निकाल लो, बस तुम लोग बैठो, और 50 रुपीज़ था एंड हम लोग ने बहुत सारे फोटो वीडियो निकाल लिए। एंड एनीवेज अभी हम लोग वापस जा रहे हैं हॉर्स लेके हमारे नीचे, नीचे जाते वक्त शूट कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा आते वक्त भी मैंने शूट नहीं करा था क्योंकि बहुत डेंजरस रहते हो, किचड़ में मेरा फ़ोन गिर जाएगा और मैं नहीं चाहता ज़बरदस्ती का खर्चा बढ़े मेरा नया फ़ोन का, और मम्मी दिलाएगी भी नहीं। एंड एनीवेज तो अभी सीधा तुम लोग को नीचे मिलता हूँ, जो शूट हो जाएगा जो शूट कर सकूँगा करूँगा एंड देन चलो सीधा नीचे मिलते, बाय। कुछ रीज़न से वहीं पे एंड कर दिया था क्योंकि उसके बाद कुछ करने को था नहीं एंड मैंने सोचा कि अब इतना कुछ मतलब नहीं ज़्यादा दिखा के। एंड अभी हम लोग आ गए हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, और हम लोग 350 किलोमीटर आए, सुबह 8 घंटे लगे हम लोग को बाय रोड आए कार से। अभी हम लोग हमारे प्राइवेट बंगलों में जो हम लोग ने 2 दिन के लिए बुक कराए हैं, परसों हम लोग वापस मुंबई चले जाएंगे, मेरे बालों को इग्नोर मारो, तो फिर उसका जो सब रहेगा वो तुम लोग को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ था नहीं है व्लॉग में हैपनिंग, तभी भी मैंने सोचा कि 12-12, 15-15 मिनट के वीडियो बनाने से अच्छा मैं नॉर्मल छोटे छोटे वीडियो बना के ड्रॉप करूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग आगे का तुम लोग को पता है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, बाय।